अगर प्रीवियस ईयर अच्छी तरीके से लगाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप मतलब आराम से 200 तक बना सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटर। हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम रिव्यू करने आए हैं। आज हमारा 29 जनवरी का हमारा एग्ज़ाम है। और आपका नाम क्या है बेटा? दिव्यांशी साहू। दिव्यांशी अपना पेपर देके आई हैं अभी। आप ये बताइए बेटा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से आपका सबसे अच्छा क्या, कौन सा पोर्शन गया है? केमिस्ट्री गया है आज का। और ईजी आया भी केमिस्ट्री, दैट मीन्स यस। ठीक है, आप कुछ टॉपिक्स रेलिवेंट बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? यस मैम, YDSE से आया था क्या फिजिक्स में, और मैथ्स में फंक्शंस और इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो वो तो आता ही हर शिफ्ट में। ओके ओके। एंड आपने सेल्फ स्टडी की है? यस मैम सेल्फ। यू आर इन 12th राइट नाउ? और नो मैम, ड्रॉपर। ड्रॉपर, सो लास्ट ईयर भी आपने पेपर दिया होगा? यस मैम दिया था। तो उससे बेटर हुआ है आज का? यस मैम बेटर ही हुआ है। बेटर हुआ है, सो वी होप कि आप जे एडवांस तक पहुँचे बेटा। सो व्हाट इज़ योर नेम? विशेषता कुमारी। ओके, आपका पेपर ये कैसा गया है? पेपर वॉज रियली ओके, नॉट दैट टफ, बट या इट वॉज मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर, और मेरा तो अच्छा गया। अच्छा गया है। तो मीन्स आपके मार्क्स, आप कितने उम्मीद कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके? मेरे अराउंड 160-170 के अराउंड आ जाएंगे। 160-170 के अराउंड मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपका जेई एडवांस आप पहुँचे, और नेक्स्ट जो अटेम्प्ट हो वो इससे भी बेहतरीन हो। हाँ ऑफ कोर्स। ओके, एंड कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप हमारे चैनल द मेंटा पे? या वेक्टर्स और 3D तो लाइक बहुत अच्छे से कर लेना, मतलब जो भी फ्यूचर में देने वाले हैं, और फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो कर लेना अच्छे से, और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस थे बहुत इस बार, और फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन के एक क्वेश्चन थे, और छोटे छोटे चैप्टर्स के एक क्वेश्चन थे, तो बस वही वेक्टर वगैरह के थे क्वेश्चन, वो कर लेना। ऑल द बेस्ट गाइस। ठीक है, सो हाउ वाज योर पेपर? मैम इट्स गुड। एंड हाउ वाज द, व्हाट वाज द इजी पोर्शन? मैम इजी पोर्शन वाज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। एंड फिजिक्स एंड मैथ्स थोड़ा टफ आया। मैम वाज ट्रिकी, इट्स वाज ट्रिकी। ओके, कैन यू एक्सप्लेन समथिंग मोर टू द स्टूडेंट्स? मैम मोस्टली मैम प्रैक्टिस करिए, और सबसे ज़्यादा है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसमें हर बच्चा अगर मेहनत कर ले जाएगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो आसानी निकल जाएगी। इन मैथ मैम कैलकुलेशन नीडेड, कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी बच्चे की, जितना फास्ट कर लेगा मैम वो टाइम के अकॉर्डिंग चल लेगा, वरना मैम उसे दिक्कत कर जाएगा। सो आयुष हमारे स्टूडेंट है, यहाँ पे एग्जाम दे के आए हैं, आप ये बताइए ईजी पोर्शन आपका क्या गया यहाँ पे? केमिस्ट्री आसान थी, फिजिक्स आसान थी, मैथ मॉडरेट और लेंथी। और आपको क्या लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का देना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे? हमें लगता है PYQ जो पुराने पेपर हैं वो ज़्यादा मैच कर रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं काफ़ी। ठीक है, और कुछ टिप्स देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बच्चों को ध्यान रखने चाहिए? पॉइंट, पेपर आसान आ रहा है, फिजिक्स फार्मूला बेस है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का पोर्शन, बायोमोलिक्यूल पीछे का टॉपिक ज़्यादा आ रहा है। और आपने प्रिपरेशन जैसे कि देख के ही लग रहा है आपने फिजिक्स वाले PWC की है, और आप कुछ और जो टिप्स देना चाहें कि टेस्ट सीरीज़ भी क्या हमें कहीं और से रेलेवेंट लगानी चाहिए? जैसे मैंने मैथॉन गया की टेस्ट सीरीज लगाई है, PW का स्टूडेंट हो, और मैथॉन गया की टेस्ट सीरीज काफ़ी रेलिवेंट टेस्ट सीरीज है। ठीक है, पेपर तो बहुत ईजी था, मेरे को मतलब जितना मैंने, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर लगाए थे तो मेरे को इतना मतलब मॉडरेट लगा था, थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा सेक्शन था लेंदी था, और फिजिक्स मेरे को बहुत ईजी लगी, केमिस्ट्री भी सर। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे बच्चों तक? 71,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पे, आप इस चैनल पे कुछ बच्चों को कहना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। ये कहेंगे अगर प्रीवियस ईयर अच्छी तरीके से लगाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप मतलब आराम से 200 तक बना सकते हैं। आपको मार्क्स कितने लगते हैं, कितने आ जाएंगे? मैंने तो 160 तक एक्सपेक्ट करें। 160 एक्सपेक्ट कर रहे हो? यस मैम। तो सेकेंड अटैम्प्ट भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो एडवांस की आप तैयारी करोगे? मैम मतलब मुझे पता चला जैसे मैथ्स में पेपर तो मैम सरल लग रहा था, मैथ्स में कुछ लेवल लेंदी था, तो उसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे, क्वेश्चंस की स्पीड थोड़ा स्पीड अच्छी करेंगे, तो सेकंड अटेम्प्ट में 200 प्लस टारगेट रखेंगे, फिर एडवांस के लिए फोकस करेंगे। हाउ वाज द पेपर, टफ इजी और व्हाटएवर? मॉडरेट था, मॉडरेट था। मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज़्यादा आई थी, फिजिक्स जो है मतलब लास्ट ईयर की तरह ईजी थी, मतलब केमिस्ट्री मॉडरेट बोल सकते हैं। आपका नाम क्या है? पुनीत। पुनीत, आप यहीं के रहने वाले? जी। ठीक है, और आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? नहीं और तो कुछ नहीं, प्रिपरेशन जो कर रहा है आराम से करे, ज़्यादा फिजिक्स टफ नहीं आ रही है, जो भी अगर अभी देखेगा फिजिक्स ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, केमिस्ट्री और मैथ के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर ले बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल द मेंटा को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब 90% बच्चे बता रहे कि फिजिक्स ईजी आई ही है इस बार। फिजिक्स काफ़ी ईजी थी, मतलब अभी तक मैं आई थिंक सो आज के फर्स्ट शिफ्ट में ईजी थी फिजिक्स।
इन कंपैरिजन टू अदर डेट्स आज का इजी था. एनी टॉपिक्स यू वांट टू शेयर कि ये ज़्यादा ध्यान देने थे हमें? ज़्यादा मैकेनिक्स एज यू कैन से, मैकेनिक्स में इजी क्वेश्चन थे टॉपिक वाइज में मतलब, और बाकी तो वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन थे एंड अदर थिंग मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिस मच क्वेश्चन. ठीक है, मार्क्स कितने एक्सपेक्ट लग रहे, कितने आ जाएंगे नंबर आपके? मार्क्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो नियर अबाउट 120 to 130. हाँ, तो हम लोग की टीम द मेंटा यहाँ पे पूरी मौजूद है. अनुज हमारे साथ है, शोएब हमारे साथ है और हमारे चार नवाब आज हमारे साथ अरिकेत मौजूद हैं, अभिषेक सर पटना में सेंटर में रिव्यू कर रहे हैं. तो हम सब पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे सेंटर पे और बहुत अच्छे से बच्चों ने रिव्यू दिया. और रिव्यू में यही कहना है सबका कि फिजिक्स जो थी वो ईजी आई है और मैथ्स जो है वो टफ़ आई है और केमिस्ट्री भी ठीक ठाक आई है. तो ये आज का रिव्यू था. सेकेंड शिफ्ट में देखते हैं क्या माहौल रहता है. बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और लाइक कर लेना वीडियो को, शेयर ज़रूर कर देना उन सभी बच्चों तक जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं जेई मेंस का. अभी कल भी एग्ज़ाम होगा, परसों भी होगा, 1st फेब तक एग्ज़ाम होगा. बच्चों लगे रहो, प्रेशर मत लो एंड डोंट वरी, जस्ट चिल एंड रिलैक्स.